हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। हमने सेट चैप्टर कंप्लीट किया था, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे मिसेलेनियस एक्सरसाइज। इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास कौन सा लॉ होता है? डी मॉर्गन लॉ। इसको ओपन करते हैं तो कैसे ओपन करोगे? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन हो जाता है इंटरसेक्शन में चेंज, बी कॉम्प्लीमेंट सेम टू सेम, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देन ए सेकेंड है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या होता है? बी यूनियन सी भी ब्रैकेट है तो पहले हम बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे, उसके बाद ए के साथ यूनियन करेंगे इसका आंसर, या फिर ए यूनियन बी की को हम पहले सॉल्व करें उसके बाद हम सी के साथ सॉल्व करते हैं यूनियन, तो दोनों का आंसर सेम आता है। यानी ब्रैकेट को हमने जो पहले बी यूनियन सी से हटा के ए यूनियन बी पर लगाया है। ठीक है, सेम टू सेम इंटरसेक्शन में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर सी के साथ सॉल्व करते हैं। इसी तरह से इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के साथ इंटरसेक्शन लगा सकते हो, दोनों का आंसर सेम आता है। फोर्थ है आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ओपन करेंगे तो कैसे करते हैं? ए यहाँ पे यूनियन, ए को लेके जाओगे बी के पास और ए को लेके जाओगे सी के पास में। ठीक है, ए बी और ए सी, बट ऑपरेशन कौन सा रहेगा? ए को बी के साथ ऑपरेट करेंगे यूनियन, ए को सी के साथ करेंगे ऑपरेट करेंगे यूनियन, बीच में जो आएगा वो इंटरसेक्शन आ जाएगा। यानी कि ए यूनियन बी, ए के बी की यूनियन कर दी हमने, अब ए यूनियन सी करेंगे बट इनके बीच में जो ऑपरेशन आएगा वो आएगा इंटरसेक्शन, क्योंकि जो बी और सी के बीच में होता है ऑपरेशन वही यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन सी। नेक्स्ट कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको ओपन करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी, पहले हमने ए को बी के साथ सॉल्व किया, बीच में इंटरसेक्शन है, अब ए इंटरसेक्शन सी बट बीच में ऑपरेशन आएगा यूनियन का, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसके बाद करते हैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी, ए की बी के साथ माइनस, इंटरसेक्शन हो जाती है यूनियन में चेंज, ए माइनस सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए माइनस बी यूनियन सी, इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी, यहाँ पे यूनियन है इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी, ए माइनस सी। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारा ये रिजल्ट आना चाहिए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको आप क्या लिख सकते हो? ए माइनस, अच्छा ये क्या होता है जो ब्रैकेट में लेके चलते हैं, दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस, और सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल टू होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के। ठीक है, इसको ओपन करते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसकी वाली आपके पास आंसर क्या आएगा? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, अब हमने कहा कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम ये रख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। लास्ट है ए सिमेट्रिकल डिफरेंस, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस विद बी, दिस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपन करते हैं तो ए माइनस बी यूनियन करता है बी माइनस ए के साथ, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अभी हमने कहा कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इस सेट के इक्वल हो सकता है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है? a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, तो जो आपके पास है a सिमेट्रिक डिफरेंस विद b इज इक्वल टू, ये भी वैल्यू ले सकते हो, ये भी वैल्यू ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच आर सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर, ए सेट गिवन है बी सी एंड डी, चार सेट आपके पास गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट बनेगा।
पहले ए को रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाइज कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। पहले इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए ताकि हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई 12 एंड एडिशन 8 आनी चाहिए, तो इसके फैक्टर कर लो माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, x माइनस 2 एंड x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, देन x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 6। तो इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो इसमें एलिमेंट आ रहे हैं 2 एंड 6 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। हमें ऐसा रियल नंबर उठाना है तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब हमें देखना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट बन रहा है। ए सेट हमारे पास है 2 और 6, इसमें 2 नंबर हैं। अब बी में हमारे पास 2, 4, 6, इसके सारे नंबर इसमें कंटेन हो रहे हैं। दैट मीन्स फर्स्ट आ गया ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ए के नंबर सी में है 2, 6, 2, 6, देन ए सबसेट हो जाएगा सी का। फिर ए के नंबर डी में नहीं है क्योंकि इसमें 2 है, डी में 2 नहीं है। ठीक है, अब एक दूसरे का देखते हैं 2, 4, 6, 2, 4, 6, बी के सारे नंबर सी में कंटेन है, इसका मतलब बी सबसेट हो जाएगा सी का, बी के सारे नंबर सी के अंदर कंटेन है। ठीक है, इसके बाद चेक करते हैं डी को, डी सबसे छोटा सेट है, डी के नंबर ए में है, जी हाँ डी कंटेन इन ए 6 एंड 6, डी के सारे नंबर यानी 6 जो है वो बी सेट में भी आ रहा है, देन डी कंटेन इन बी, डी इज अ सबसेट ऑफ बी, एंड डी जो है वो सी का भी सबसेट बन रहा है। क्यों? क्योंकि डी में 6 और 6 हमारा सी में भी आ रहा है, तो ये आ जाएगा डी इज ए सबसेट ऑफ सी सेट, ये सी है आपके पास सी सेट। तो इस तरह से हम बता देंगे कि कौन सा सेट किसका सबसेट आ रहा है। टोटल आपको पॉसिबिलिटी बतानी है, ऐसा नहीं कि हम एक को बता देंगे और बाकी को छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रू और फॉल्स बताने, आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, 6 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा नंबर ट्रू है और स्टेटमेंट सॉरी कौन सा स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, कौन से आपके पास फॉल्स। फर्स्ट दे रखी है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी, कहता है कि अगर एक्स ए का एलिमेंट है एंड ए बी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी में भी बिलोंग करेगा, आपको ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए देखिए, एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है? एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, एक्स हमारा ए का एलिमेंट है। ठीक है, यानी जब हम सेट बनाएंगे तो हम इस तरह से ले सकते हैं, मान लिया कि हमारे पास ए सेट है एक्स वाई, फिर कहता है कि ए बी में बिलोंग कर रहा है। जब सेट में बिलोंग करता है इसका मतलब ये होता है कि ए हमारा बिलोंग कर रहा है बी में, इसका क्या मतलब है कि ए इज इक्वल टू, ए हमने क्या लिया है एक्स वाई दिस सेट, यानी कि ए दिस सेट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, जो ए सेट है कंप्लीट सेट ये बी सेट का एलिमेंट है। एलिमेंट है तो बी सेट को कैसे बनाओगे? बी इज इक्वल टू, एक एलिमेंट तो ये हो गया कि ये एलिमेंट हमारा बी का नंबर है। ठीक है, यहाँ पे मैं जेड ले सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से हम सेट बना सकते हैं। तो यहाँ से अभी हमारे पास कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और ए बी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स नंबर भी बी में आपके पास होना चाहिए, ये कह रहा है। क्या ये ऐसे पॉसिबल है? अब देखिए, एक्स वाई कंप्लीट इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड यहाँ पे कोई ऐसा एक्स नहीं है जो अलग से एक्स आपके पास बी में बिलोंग करता हो, तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी। यहाँ से आप ऐसे मत सोच लेना कि x इसके अंदर आ गया तो x b में बिलोंग करेगा, यहाँ पे पूरा सेट जो है एक्स वाई कंप्लीट सेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट b। ठीक है, तो कंप्लीट सेट जो आपके पास आ रहा है ये इसका b का एक एलिमेंट माना जाएगा। यहाँ पे देखिए तो b सेट में 2 नंबर हैं, एक तो कंप्लीट एक्स वाई सेट और एक जेड, इसलिए x हमारा b में बिलोंग नहीं करेगा, बट ये कह रहा है करेगा, तो हमारी ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है, सेम टू सेम सेकंड चेक करिए, इफ ए कंटेंड इन बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, अगर ए बी का सबसेट है
और बी सी में बिलोंग कर रहा है, देन ए बिलोंग्स टू सी, आपको ये शो करना है। चलो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। जो गिवन है वो उठा के चलिए, गिवन है आपके पास ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, ये आपके पास गिवन है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, ए को हम मान लेते हैं 1, 2, बी ले लेते हैं क्योंकि ए के सारे नंबर बी में बिलोंग कर रहे हैं, 1, 2, 3, ओके। फिर हमने कहा कि बी जो आपके पास सेट बन रहा है वो सी में बिलोंग कर रहा है, वही चीज़ फिर से आ जाती है, अगर बी सी में बिलोंग करेगा इम्प्लाइज दैट बी हमने क्या सेट लिया है, कंप्लीट 1, 2, 3, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट सी, ठीक है। तो सी सेट कैसे बनेगा, सी सेट को हम बना सकते हैं 1, 2, 3, कंप्लीट बी सेट इसके अंदर आ गया, एंड कोई भी नंबर उठा लो 4, 5 जो भी है, बस हमें कंडीशन क्या फुलफिल करवानी है कि ए हमारा बी का सबसेट होना चाहिए, ए के सारे नंबर बी में आ रहे हैं, देन बी दिस इज अ सबसेट ऑफ बी इज बिलोंग्स टू सी, यानी कि बी का जो पूरा सेट बन रहा है वो सी का एक नंबर बन रहा है। तो हमें बता ये कह रहा है कि आगे ए हमारा सी में बिलोंग करना चाहिए, ए हमारा क्या है 1, 2, यानी कि क्या 1, 2, दिस इज बिलोंग्स टू सी, क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, हमारा कंप्लीट सेट 1, 2, 3 इसमें कंटेन कर रहा है बट 1, 2 सी में कंटेन नहीं कर रहा है, ओके। तो ये आपके पास स्टेटमेंट कैसी आ जाएगी, फॉल्स, यहीं पे लिख देते हैं फॉल्स। फॉल्स क्यों बनी, क्योंकि ए सेट हमारा सी में बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि पूरा 1, 2 सेट सी में आना चाहिए, जैसे हमारे पास ये नंबर आ रहा है, ये कंप्लीट एक नंबर है 4 और 5, तो सी में हमारे पास 3 नंबर है, ओके। तो 1, 2 सी में बिलोंग नहीं करेगा, दैट्स वाई दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देन ए सी का सबसेट होगा। सिंपल क्वेश्चन है, अगर ए बी का सबसेट है, यानी ए के सारे नंबर बी में कंटेन कर रहे हैं एंड बी सबसेट है सी का, अब देखिए कंडीशन लेके चलिए, फॉर एग्जांपल ए को मान लेते हैं हम 1, 2, 3 और बी ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। हमारे पास क्या कह रहा है कि ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे नंबर बी में आ रहे हैं, फिर कहता है बी सी का सबसेट है, तो सी को जब आप एज्यूम करते हो तो क्या लेके चलोगे 1, 2, 3, 4, बी के सारे नंबर सी में आने चाहिए और एक ले लिया हमने 5, ओके। तो ए सबसेट हो गया बी का, बी सबसेट हो गया सी का, तो आपको ये बताना है देन ए सबसेट होगा सी का, तो क्या ए सी का सबसेट है 1, 2, 3, 1, 2, 3, ए के सारे नंबर सी में कंटेन कर रहे हैं, दैट्स वाई ए आपके पास सबसेट हो जाएगा सी सेट का। तो हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, बी नॉट ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज ऑल्सो नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ये आपको बताना है। जो गिवन है वो लेके चलिए, इफ A not a subset of B and B not a subset of C, दो चीज़ हमारे पास गिवन है, A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, तो सबसेट नहीं है तो हम किस तरह से एलिमेंट उठाते हैं, लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, मान लिया A मैंने ये सेट ले लिया, B सेट ले लेते हैं 2, 3, 4, A के सारे नंबर B में कंटेन नहीं कर रहे, इसका मतलब A is not a subset of B. A हमारा यहाँ से B का सबसेट नहीं आ रहा, ये कंडीशन होल्ड करवाएंगे, तो B अगर आपके पास C में है आपके पास, तो C के नंबर किस तरह से लेंगे कि सारे इसके नंबर नहीं आने चाहिए, तो इसको मैं ले लेती हूँ 1, 2, 3 and 5, C को मैंने लिया 1, 2, 3 and 5, हमने ये बताना है कि B C का सबसेट नहीं होना चाहिए, यानी B के सारे नंबर C में नहीं आने चाहिए, तो 2, 3, 4 इसके अंदर नहीं आया, इम्प्लाइज दैट हमारे पास इन दोनों सेट्स के अकॉर्डिंग क्या शो कर रहे हैं, B C का सबसेट नहीं है, यानी हम दोनों कंडीशन हमने सही उठा ली है। फिर आपको दिखाना है कि क्या A C का सबसेट भी नहीं होगा, चेक कीजिए,
ए सेट हमने लिया 1 2 3, सी सेट हमने लिया 1 2 3 5, तो क्या ए के नंबर सारे सी में हैं? जी हाँ, 1 2 3 1 2 3 इम्प्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी। यहाँ से तो हमारे पास ए सी का सबसेट आ गया, बट ये कह रहा है कि ए हमारा सी का सबसेट नहीं बनेगा, बट ए सी का सबसेट बन सकता है, तो स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? फॉल्स। ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, देन कह रहा है कि एक्स बिलोंग करेगा बी में। आपके पास गिवन है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स हमारा ए में बिलोंग कर रहा है एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ये दोनों कंडीशन होल्ड करवाते हैं। सबसे पहले एक्स हमारा ए में बिलोंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट, तो हम कोई एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं 1 2 3, मैंने मान लिया ए सेट मैंने ये उठाया, एक्स रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3 ऑल ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, एंड कह रहा है कि ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो बी को हम कैसे अज्यूम करेंगे 2 3 4, ए बी का सबसेट नहीं है तो ए के सारे नंबर बी में नहीं आएंगे, यानी 1 इसके अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, फिर कह रहा है कि एक्स बी में बिलोंग करेगा जो नंबर, अब यहाँ से देखते हैं 1 2 ए में बिलोंग कर रहा है, ए बी का सबसेट नहीं है, 2 बी में बिलोंग कर रहा है, बट हमें नहीं की कंडीशन निकालनी है, हम 1 उठा के चल पड़ते हैं, 1 भी ए का नंबर है, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए में बिलोंग कर रहा है, एंड यहाँ से देखें तो बाय आवर एग्जांपल, हमारा जो एग्जांपल दे रखा है हमने, ए बी का सबसेट नहीं है, सेम टू सेम कंडीशन होल्ड कर रहा है, एक्स ए का एलिमेंट है, ए बी का सबसेट नहीं है, 1 ए का नंबर है बट ए बी का सबसेट नहीं है, तो अब हम चेक करते हैं क्या 1 बी सेट में है। 1 देखिए यहाँ से 1 बी सेट में नहीं है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर कोई नंबर ए में बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे नंबर बी में मिलेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन कि एक्स हमारा बी में बिलोंग करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, तो क्योंकि यहाँ से एग्जांपल से दिख रहा है हमें कि 1 ए में तो है और ए बी का सबसेट भी नहीं है, बट फिर भी 1 बी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। लास्ट देखिए, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, ए बी का सबसेट है, ए के सारे नंबर बी में है एंड एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये बता रहा है कि एक्स ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। देखिए इसको कैसे करोगे, हमारे पास गिवन है कि ए बी का सबसेट है, ये चीज गिवन है, ए बी का सबसेट है एंड एक्स नंबर बी में बिलोंग नहीं कर रहा, कोई नंबर बी में बिलोंग नहीं कर रहा, देन आपको ये प्रूव करना है, प्रूव करोगे आप यहाँ से कि एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए, हमें ये प्रूव करना है कि एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए। लेट हम मान लेते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, देखो कैसे करते हैं, एक्स हमें प्रूव करना है कि एक्स ए में बिलोंग नहीं करता, बट हम ये लेके चलते हैं कि एक्स हमारा ए में बिलोंग करता है, फिर कहता है कि हमें गिवन है कि ए हमारा बी का सबसेट है, एक्स ए में ले लिया हमने एंड हमें गिवन है कि ए बी का सबसेट है, इसका क्या मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, इम्प्लाइज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए is an element of B. A subset है B का, तो हर एक A का number B का number हो जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि X A का number है, तो X B का भी number हुआ, implies that X belong करेगा B में, but हमें तो given में क्या था कि X तो B में belong करता ही नहीं, but हम यहाँ से निकाल रहे हैं कि X हमारा B में belong कर रहा है, यही होती है contradiction, कि जो हमें given होता है, जो हम assume करके चलते हैं, हमने ये assume किया था कि X हमारा A में belong करता है, तो हमारे पास condition आ गई कि X B में भी belong करता है, but यहाँ से तो हमारे पास given है कि X तो B में belong करता ही नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा X जो अगर B में belong करेगा, तो हमारे पास आ जाती contradiction, इसको बोलते हैं contradiction।
तो कंट्राडिक्शन से क्या मतलब होता है, जो हमने अज्यूम किया था वो हमारा गलत है, इसलिए क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। अगर यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ जाती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, सुपोजिशन जो हमने लिया है इज रॉन्ग, वो हमारी गलत है, तो एक्स ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी कि अगर ए बी का सबसेट है, एक्स बी में बिलोंग नहीं करता, तो ए भी एक्स बी बिलोंग में नहीं करेगा। ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी एंड सी विद द सेट्स, तीन आपके पास सेट गिवन है। कंडीशन होल्ड कर रहे हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास गिवन है। शो करना है कि हमारे पास बी इक्वल टू सी आ जाना चाहिए। चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमारे पास कंडीशन गिवन है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, हम बोथ साइड सी से इंटरसेक्शन कर लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, दोनों साइड हमने सी से इंटरसेक्शन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाइज किया था, ए के साथ सी को सॉल्व करते हैं, बाहर जो आपके पास होता है वो ये वाला सिंबल आता है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हमने स्टार्टिंग में सॉल्व करके दिखाया था, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, सी इंटरसेक्शन ए सी इंटरसेक्शन बी और बीच में सिंबल आता है यूनियन का, सी इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। सी इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन सी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए ये सेम होते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए के साथ सी की यूनियन और उसी के साथ इंटरसेक्शन। अगर हम ए सेट ले लेते हैं मान लो 1 2 3, सी सेट ले लेते हैं 3 4 5, हमने कहा कि ए यूनियन सी किया, हमने ए यूनियन सी करोगे तो क्या आंसर आएगा, ए यूनियन सी मतलब ए के भी सारे नंबर सी के भी सारे नंबर 1 2 3 4 5। और फिर हम कह रहे हैं कि इसके साथ सी की इंटरसेक्शन करते हैं, ए यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं सी की, तो जो सी सेट है इसमें जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो उठाएंगे, तो 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ये नंबर आ जाते हैं, और ये सेट किसके इक्वल है, सी के। तो हम यहाँ से ये बता रहे हैं कि ए के साथ सी की यूनियन की और उसी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वही सेट आ जाता है सी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दोबारा से ये लेके चलते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ये हमें गिवन है, गिवन। अब हमने यहाँ पे सी से इंटरसेक्शन की थी, यहाँ से हम बी से इंटरसेक्शन कर देते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब इसको ओपन करते हैं, ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, ए की बी के साथ यूनियन और उसी के साथ इंटरसेक्शन, तो आंसर क्या आएगा, बी सेट आएगा। इधर क्या आएगा, इधर हम ओपन कर लेते हैं बी, इसको ओपन करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी, बीच का सिंबल बीच में आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सॉरी सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी, समझ गए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला हमारे पास सेम चल रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, हम क्या कर, सेकंड में हमें गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, तो हम इसकी वैल्यू उठा के ये रख सकते हैं, तो इसमें हम पुट कर देंगे यहाँ पे ए, इसकी जगह पे हमने रख दिया ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, इसको आप बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे आप रीज़न दोगे ये हमें गिवन है इसलिए हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू उठा के हमने ये वाली पुट कर दी, ठीक है। इसको आप सीधा लिख लीजिए, मतलब ये साइड इधर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिस इज इक्वल टू बी, बी को हमने यहाँ पे इधर लिख दिया, इस साइड को उठा के इधर लिख दिया, ये हमने उठा ली सेकेंड इक्वेशन,
ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट की ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सेम चल रही है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आप क्या लिखोगे यहां से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, राइट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन इज इक्वल। तो राइट हैंड साइड इक्वल करोगे तो इसकी राइट हैंड साइड क्या है, सी, और इसकी बी, तो यहाँ से आ जाएगा बी इज इक्वल टू सी, और यही आपको प्रूव करना था बी इक्वल टू सी। फोर्थ क्वेश्चन गिवन आपके पास, शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशन आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर हमें दो कंडीशन को इक्विवेलेंट शो करना है तो ए फर्स्ट सेकंड, इफ एंड ओनली इफ, ये सिंपल होता है इफ एंड ओनली इफ का, दैट मीन्स अगर फर्स्ट कंडीशन गिवन है तो सेकंड होल्ड करेगा और सेकंड गिवन है तो फर्स्ट होल्ड करेगा। तो ये आपको प्रूव करना है, फर्स्ट हम उठा लेते हैं कि हम प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट इफ एंड ओनली सेकंड, यानी फर्स्ट सेकंड के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि ये चीज़ हमारे पास गिवन होती है और इसको हम प्रूव कर देते हैं, लेट ए कंटेन इन बी, ए हम लेके चलते हैं बी का सबसेट है। इसका क्या मतलब है, हम इफ़ एंड ओनली इफ लगाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन है तो ये है और ये है जो हम अभी बना रहे हैं तो हमारी पीछे वाली होल्ड करेगी, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। सबसेट का मीनिंग क्या होता है कि ए के सारे नंबर बी के एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। अगर ए के सारे नंबर बी में आते हैं और फिर हम ए माइनस बी निकालते हैं, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ए हमने उठा लिया 1 2 और बी सेट हम ले लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ए के सारे नंबर बी में आ रहे हैं तो बी के नंबर लेने पड़ेंगे आपको 1 2 1 2, तो लेने पड़ेंगे, अदर देन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ए बी का सबसेट हो गया। अब आप निकालिए ए माइनस बी, जब हम a माइनस बी करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं वो सारे माइनस कर देते हैं और a के बाकी के नंबर उठा लेते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसके सारे नंबर तो इसके साथ कॉमन है, सारे नंबर ही निकल जाएंगे तो बचा क्या, 5 एम्प्टी सेट, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ, अगर a के सारे नंबर b में आ जाते हैं फिर हम a माइनस बी करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 5 आ जाता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि हमने इस स्टेप से इस स्टेप पे गए तो ये स्टेप आ रहा है, तो हम वापस जैसे हमने ये इससे ये प्रूव कर दिया, अब हम वापस लेके चलेंगे कि अगर a माइनस बी इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेट्स की सब्ट्रैक्शन 5 कब आती है, जब a सेट के सारे नंबर b सेट में आ जाए, दैट मीन्स उल्टा स्टेप चलेंगे। इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज एन एलिमेंट ऑफ b, a के सारे नंबर b में मिलेंगे, अगर a के b में सारे नंबर हैं तो a b का सबसेट हो जाएगा, तो उल्टा भी, तो इसलिए हम सीधा साथ साथ इफ एंड ओनली शो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड को थर्ड के साथ इक्विवेलेंट प्रूव करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं हम, सेकंड कंडीशन इज इक्विवेलेंट थर्ड, सेकंड थर्ड की इक्विवेलेंट शो करते हैं। हमें गिवन है a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये हमें गिवन है और ये कंडीशन हम प्रूव करते हैं। a माइनस बी 5 कब आता है, अभी हमने पढ़ा था कि a माइनस बी 5 कब आता है, जब a के सारे नंबर b में आ जाते हैं तब सब्ट्रैक्शन इनकी 5 आ जाती है। तो हम लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a इज एन एलिमेंट ऑफ b, कि ये a माइनस बी 5 तब आता है जब a के सारे नंबर b के एलिमेंट बन जाते हैं, ठीक है, यानी a के सारे नंबर b में आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि अगर a के सारे नंबर b में आ जाते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं b कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ a, बी a के सारे नंबर को खुद में कंटेन करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल वही ले लेते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 हमने उठाया था, b ले लिया हमने 1 2 3, हमने लास्ट लाइन में कहा है कि b जो है वो a के सारे नंबर को खुद में कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a 1 2 इसके अंदर आ रहे हैं। अब हम निकालते हैं a यूनियन b,
अगर हम ए यूनियन बी करते हैं तो ए के सारे नंबर आते हैं, बी के सारे नंबर आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, 2 and 3 आ जाएगा। तो और 1, 2, 3 किसके इक्वल है, सेट बी के। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर बी सेट बड़ा है ए से तो यूनियन करेंगे तो बड़ा सेट आता है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू आ जाएगा बी के। प्रूव इफ एंड ओनली इफ लगाते चलोगे, रिवर्स पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास ये गिवन है तो ये होगा, ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा, साथ साथ इफ एंड ओनली इफ लगाते चलो और हमारे एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ, थर्ड इफ एंड ओनली इफ फोर्थ, ये इसके इक्विवेलेंट प्रूव कर रहे हैं हम, तो हमारे पास गिवन क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ये हमें गिवन है। ठीक है, लेट लिख लो या फिर गिवन लिख लो, दोनों चीज सेम है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। दैट मीन्स जो सेट की, दो सेट की यूनियन बी कब आ सकती है, मतलब ए यूनियन बी दो सेट की यूनियन कर रहे हैं और उसी में से एक सेट आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी सेट है वो बड़ा सेट है, मतलब कि बी सेट ए सेट को कंटेन करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये, इफ एंड ओनली इफ बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए, कि बी हमारा ए के सारे नंबर को अगर खुद कंटेन कर लेता है तो दोनों की यूनियन वही सेट आ सकती है। ठीक है, देन ए जो सेट है ए, इसका मतलब ये हो कि ए हमारे पास इसे छोटा सेट बनेगा, मतलब ए में अगर हमारे पास दो नंबर हैं, बी में हमारे पास तीन नंबर हैं, तो ए हमारा छोटा सेट आ रहा है कि इसमें दो एलिमेंट हैं, इसमें हमारे पास तीन एलिमेंट है। ठीक है, तो ए आपके पास जो है सबसेट हो जाएगा बी का, अगर बी ए के सारे नंबर को कंटेन कर रहा है तो ए बी का सबसेट हो गया। ठीक है, अभी हम इंटरसेक्शन करते हैं इन दोनों के, ए और बी, ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, निकालो क्या आएगा, 1, 2 जो कॉमन एलिमेंट वो उठाते हैं 1 and 2, और ये सेट कौन सा है, ए सेट है, दिस इज। तो हमारा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर ए बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटे वाला सेट आता है, क्योंकि ए हमारा इसमें कंटेन, ए छोटा हो गया, तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम, इफ एंड ओनली इफ अगर ए बी में कंटेन है तो दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या देगा, ए आए, और यही हम आपके पास फोर्थ कंडीशन है। तो यहाँ से कंप्लीट सेकेंड, जो आपके पास थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ, इफ एंड इक्विवेलेंट शो कर दिया हमने, तो फर्स्ट सेकेंड के, सेकेंड थर्ड के, थर्ड फोर्थ के, इस तरह से सबका प्रूफ आपको शो करना है। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन थे मिसेलेनियस एक्सरसाइज के, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और तब तक के लिए ट्राई करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।